गुड मॉर्निंग गाइस, सर्वप्रथम अपना परिचय आपको देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर एसडी तिवारी चौकी वाला देहरादून से हूं। आज हम अपने प्रथम लेक्चर फर्स्ट में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत हर व्यक्ति को विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स व्यक्तित्व विकास। प्रत्येक व्यक्ति का कैसे अपना इंडिविजुअल लेवल पर विकास हो, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज है, हमें सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स एक्टिविटीज एंड थॉट्स व्हिच मोटिवेट फॉर बेटर लाइफ एंड टू फैसिलिटेट द डेली रूटीन वर्क इज कॉल्ड सिंपली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको हम व्यक्तित्व विकास कह सकते हैं कि हमें क्या है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का विकास कैसे हो, थ्रू लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स, बहुत सारी कौशलता का विकास हमारे अंदर हो, एक्टिविटीज, कोई नई गतिविधियों को हम सीखें, और हमारे दिमाग में समय समय पर नए नए जो थॉट्स आते हैं उनसे हमें एक मोटिवेशन प्रेरणा मिलती है फॉर बेटर लाइफ, हमारी बेटर लाइफ के लिए, एंड टू फैसिलिटेट द डेली रूटीन वर्क, और हम अपने उन चीजों से अपने दैनिक कार्यों को बड़ी सुगमता से क्रियान्वित कर पाते हैं। इसी को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास कहते हैं। अब अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट, अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह की हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए, वो कैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास तक पहुंच पाए, वो तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो हमारा इंडिविजुअल लेवल, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या हम अपने फिजिकल एक्सरसाइज से और जिम जाके, या अपने मेंटल विकास करना चाहते हैं, या सोशल विकास करना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, कुछ कमा के अपनी दैनिक दिनचर्या को जारी रखना चाहते हैं, जैविका बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों के लिए हम सबसे पहले अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए हमारी क्या पहुंच होनी चाहिए। पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा अभिरुचि होनी चाहिए अपने आप में। दूसरा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे पास, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेटर काम करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो हमें उसको उसका स्वागत करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए अवसर। तीसरा है एडजस्टमेंट ऑफ टाइम विथ अवर डेली रूटीन वर्क। एडजस्टमेंट ऑफ टाइम विथ डेली रूटीन वर्क मीन्स हमारे जो दैनिक कार्य, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दैनिक जिम्मेवारियां होती हैं, उनका निर्वाह करना भी जरूरी होता है, उसके साथ हमारा कुछ अगर समय बचता है तो हमें उस समय के साथ क्या करना चाहिए, दैनिक कार्यों के साथ समय का एक तालमेल बना के अपने इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। तो ये अप्रोचेस है, इंटरेस्ट होना चाहिए हर व्यक्ति का, अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उनका वेलकम करना चाहिए। तीसरा एडजस्टमेंट ऑफ टाइम डेली रूटीन वर्क, उसके साथ हमें तारतम्य बनाना चाहिए। अब आया टाइप ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिस इज माई कॉन्सेप्ट, ये मेरा अपना समझ वाली बात है, समझ वाला लेक्चर है, ऐसा नहीं कि कोई किताब से उठा के हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे लगता है, जो मेरे अंदर एक मतलब अभिव्यक्ति जागृत होती है, उस हिसाब से मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। अब टाइप ऑफ डेवलपमेंट कितने प्रकार का डेवलपमेंट, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, हम छोटे से बड़े होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डेवलपमेंट। हमारा इंडिविजुअल अपना विकास हुआ, हमने अपने बॉडी को फिटनेस सेंटर जाके हमने एक वो दिया, ढांचा दिया। दूसरा हुआ मेंटल विकास, मानसिक विकास, हम लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कई सारी चीजें नॉवल पढ़ते हैं, वो दैट इज कॉल्ड द मेंटल या बौद्धिक विकास, या हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। तीसरा हुआ सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग ऐसा एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में अपने रिश्ते नाते वो भी समझने पड़ते हैं, उनके साथ अपना एक इंटरेक्शन बनाना पड़ता है, ये हमारे फादर है, मदर है, ब्रदर है, बहन है, भाई है, मामा है, जो भी हमारे रिश्ते हैं उनके साथ एक तारतम्य बनाना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, दैट इज कॉल्ड द सोशल डेवलपमेंट। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो वो भी हमारा एक क्या है, मतलब कह सकते हैं कि हम हमारा मॉरल ड्यूटी से हम बाहर जाते हैं, जो हमारा मॉरल एजुकेशन है वो हमारा कमजोर हो रहा है, उस चीज को भी मेंटेन करना जरूरी है। चौथी चीज आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। एक उम्र के बाद, पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद, हमें व्यक्तित्व विकास के साथ अपने को एक रोजगार से जोड़ना पड़ता है, हमारे जीवन में जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कुछ काम करके अपने भरण पोषण करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें, उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। चौथा हो गया, पांचवा हो गया
रिलीजियस एंड कल्चरल टोकन, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा घर परिवार जिस संस्कृति से जुड़ा है, उसका भी देखरेख करना, उसका भी संग्रहण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपने किसी जिम में आप जान प्रारंभ कर दिया एक्सरसाइज, या आपने जो है आपने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है या फौज में जाना है, तो आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी। दूसरी चीज आती है मेंटल, आपने कुछ एडिशनल कुछ करना चाहिए, आपने कहा मुझे लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट है, अगर किसी सोसाइटी में मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले उस सोसाइटी से अगर कोई जानकारी लेनी है तो उस उनकी भाषा का बोध होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द मेंटल और एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और सोशल इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट। तो आज हम अपने पर्सनलिटी डेवलपमेंट में हम आपको एक नई भाषा या एक अलग से आपके कोर्स से हटके, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, इस प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से लैंग्वेज भी एक आज के डिमांड, आज के पॉपुलेशन की डिमांड है। अगर आपके पास किसी भी देश की भाषा नहीं है तो आप उसके साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं कर सकते, या वो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देता है जो आप उसे चाहते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आपको इस लेक्चर में प्रारंभ करेंगे जर्मन लैंग्वेज। जर्मन भाषा क्या है, उसका क्या स्कोप है, उसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ी, और क्या उसके अल्फाबेट्स हैं, और आगे क्या उसका ग्रामर है, किस तरह से हम उसको इन एडिशन ऑफ दिस हम उसके अपने पाठ्यक्रम में एक अलग से पाठ्यक्रम के रूप में उसको जोड़ पाएंगे। ये सब क्या है, इंटरेस्ट है हमारा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास टाइम है, आपने मेरा लेक्चर सुना और अपने डेली रूटीन वर्क के साथ आपने अपने टाइम को थोड़ा सा निकाल के इसमें हम आपने दिया, ठीक है। अब इसका स्कोप क्या है, नंबर एक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, ट्रांसलेटर, जैसे आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी ट्रांसलेटर का काम करते हैं, या हिंदी सब्जेक्ट ग्रुप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, हर चीज का एक स्कोप होता है कार्य क्षेत्र की, उससे हम क्या करेंगे सीखे। दूसरा टूरिज्म सेक्टर में, तीसरा है ट्रेड में, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रेड चल रहा है उसमें आप अपना रोल वो करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपने सुना होगा, होटल में प्रबंधक या हॉस्पिटैलिटी का काफी स्कोप होता है, फाइव स्टार होटल्स में बहुत डिमांड है। लैंग्वेज फैकल्टी के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जहां जहां पर जर्मन लैंग्वेज का स्कोप है, जर्मन मैंडेटरी है, बिना जर्मन भाषा का ज्ञान होने के बावजूद आप वहां पर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो मैंडेटरी है, तो उसमें पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, अगर आपको कोई फेलोशिप मिलती है, आपको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पर इसका स्कोप है। इस प्रकार से बहुत सारे सेक्टर है जिसमें आपको जो है जर्मन भाषा को की उपयोगिता दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर किसी भाषा को हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है, अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश में हम अल्फाबेट बोलते हैं, तो जर्मन में भी द अल्फाबेट, वो इंग्लिश में द अल्फाबेट होते हैं, तो यहाँ पर डास अल्फाबेट होते हैं। क्या है, लेटर्स वही नहीं, नाउ यू कैन सी हियर लेटर्स आर बोथ सेम इन इंग्लिश इन जर्मन, बट नंबर वन आर्टिकल, फर्स्ट वन द आर्टिकल एंड वर्डिंग जो है वो भी सेम है, फोनेटिक्स चेंज है। तो इस फोनेटिक्स को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, कैसे, अल्फाबेट्स। देखिए अल्फाबेट को जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, दो प्रकार के अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हम बोलते हैं। तो कैपिटल लेटर्स को कोई ग्रामर की जरूरत तो है नहीं, कैपिटल लेटर को बोलते हैं ग्रोसे बुक स्टाफ है, और स्मॉल लेटर्स को बोलते हैं क्लाइन बुक स्टाफ। ग्रोसे मीन्स बिग कैपिटल, और क्लाइन मीन्स क्लाइन बुक स्टाफ मीन्स स्मॉल लेटर्स। अब लेटर्स वही, आदमी हर जगह हर देश में वही है, दो हाथ दो पांव दो आंखें वो सबकी होती है, बट उसका कल्चर अलग होता है, फोनेटिक्स अलग होता है, मदर टंग अलग होती है, खाना पीना अलग हो सकता है, वहाँ की फिजियोग्राफी अलग हो सकती है, फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल चीजें जो होती हैं वो सब एक जैसी है। हाथ पाँव सभी जगह जो भी आदमी होगा सब जगह वैसे ही होंगे, लेकिन बोलने का तरीका खाना पीना रहना वो सब चेंज हो जाता है। अब देखेंगे इंग्लिश और जर्मन में क्या डिफरेंसेस है लेटर में। अब देखें लेटर्स वैसे ही जैसे इंग्लिश में, अब फोनेटिक्स चेंज हो गया, आ यहाँ पर हम इंग्लिश में बोलते हैं ए, हियर इज कॉल्ड आ, इंग्लिश में बोलते हैं बी, हियर इज कॉल्ड बे, सी शे श्वाय, लाइक दिस, जस्ट यू हैव रोल्ड योर टंग इनसाइड द माउथ, श्वाय शे शे, नॉट सी शे, नॉट डी डे, ए अफ गे हा ई योट का एल एम एन ओ पे ऊ एर
S-T-U-V, not V. In English it is called, please keep in mind, here F and V have the same sound. Here F is called F and V is called V, not V. V in English, but in German, its phonetics is V. So the word starting from the V will pronunciate like the V. Like V, V-I-E-L. Not wheel, this is called feel. Feel and dung means thank you very much. Not wheel and dung. For example, V is called fau, W is called way, X is called X, Y is called Ypsilon, and Z is called shed. Just you have rolled down here, you can compare this with the C and shed. This is called shed. Here is not Z, this is called shed. Okay, these are the 26 alphabets both in English and German. Now, these are some exceptional cases. You might have heard about the, there are five vowels in English, A, E, I, O, U, but German में क्या होता है कि A, E, I, O, U, vowels यहाँ भी वही होते हैं, but इनका modification हो जाता है. Modification नहीं, इसमें दो बिंदे लगे. A में कुछ letters ऐसे हैं, तीन letters, A, A, O, and U. U, जिसको हम U बोलते थे, यहाँ पर O बोलते थे, यहाँ पर A बोलते थे, इनका phonetics जो है चेंज हो गया, इनका उच्चारण चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? इनके ऊपर दो बिंदे लग जाते हैं. इसको दो बिंदे को बोलते हैं जर्मन में मोडिफाइड हो. और वी कैन से मिथ उमलाव. मिथ मींस, मिथ इज द जर्मन वर्ड. मिथ मींस विद, उमलाव मींस, उम मींस अराउंड एंड लाउट मींस साउंड. फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर, लाउट मींस साउंड एंड स्पीकर मींस टू स्पेल, मतलब जो तेजी से बोलता है. लाउड स्पीकर, तो इसका मतलब है आ, दिस इज, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ए पहले ए था जिसको हमने फोनेटिक्स आ दिया, आ मी तुम लाओ. इसको उच्चारण डाउन हो गया तो ए, दिस इज कॉल्ड ए, नॉट आ, ए. इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश ए ई, ए एन ए. लाइक फॉर एग्जांपल पहले ओ था, यहां पे ओ, जर्मन में इसका उच्चारण ओ का ओ ही था, बट यहां पे क्या होगा, ओ के साथ दो बिंदे लग गए, मी तुम लाओ लग गया, मॉडिफाइड वाउल हो गया. वाउल तो है, ये मॉडिफाइड हो गए, चेंज हो गया इनका रूप, तो इसका उच्चारण यू हो गया. जस्ट इक्विवेलेंट टू ओ ई, जो इंग्लिश में ओ और ई को साथ लगाने से जो उच्चारण होगा वही यहां पर इससे हो. नेक्स्ट थर्ड लेटर है उ. हमने उ बोला था, यू को उ बोला था, तो उ के ऊपर भी दो बिंदे लग गए, दिस इज कॉल्ड मिथ उमलाउट. इक्विवेलेंट टू यू, मतलब बराबर करके हमने लिख दिया. इंग्लिश का जो यू और ई के साथ जो उच्चारण स्पेल आउट होता है, जो हम उच्चारण देंगे वो इससे निकलेगा. इसके अलावा यहाँ पर एक जर्मन लेटर्स में एक बीटा जैसा, जस्ट लाइक इफ यू आर नॉन जर्मन स्पीकर, सो यू कैन नॉट इजीली रिकॉग्नाइज दिस लेटर. दिस इज द डबल एस. डबल एस मींस जस्ट इक्विवेलेंट टू द डबल एस. जैसे हम डबल एस जहां पर लगाते हैं, वहां पर डबल एस न लगा के जर्मन के वर्ड्स में आपको कहीं कहीं पर ये वाला लेटर मिलेगा. तो आप इसको बीटा न कह के इसको आप डॉपल एस पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डॉपल एस एंड बीटा? बीटा इज द ग्रीक वर्ड. बीटा में नीचे इसको डंडी लंबी होती है और इसमें डंडी नहीं होती, थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पे, हल्का सा मुड़ा हुआ. सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द जर्मन वर्ड, जर्मन लेटर है, दिस इज कॉल्ड डॉपल एस. इट्स इक्विवेलेंट टू डबल एस. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम बोलते हैं वाटर, डब्ल्यू ए टी आर इन इंग्लिश, बट इन जर्मन लाइक इन स्विट्जरलैंड इन सम कंट्रीज दिस इज कॉल्ड वॉशर. वॉशर डब्ल्यू ए डबल एस ई आर, इक्विवेलेंट टू वाटर. वाटर को वॉशर बोलते हैं. सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस पर्सनलिटी डेवलपमेंट. व्हाट इज द पर्सनलिटी डेवलपमेंट? व्हाट इज द अप्रोचेस फॉर द पर्सनलिटी डेवलपमेंट? व्हाट काइंड ऑफ द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट्स? एंड आउट ऑफ दीज फाइव कंपोनेंट्स, दिस टाइप ऑफ द डेवलपमेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट, mental development, social development, economic development, religious development, we have pointed out, we have highlighted this, we have taken this point, mental development or intellectual development. Out of this, we have chosen the German language is an extracurricular activity. So this is all, this is a brief idea about the scope of the language and phonetics of the alphabets in German. And we have just compared with the English. In the next lecture, so I will tell you about the vowels and number system.
like 1, 2, 3, that's okay. Thank you to all of you for listening to